में श्रीलंका के पर्यटक आए हैं, रंभा स्तूपा के पास हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये हम आपको दिखा रहे हैं इस समय रंभा स्तूपा के पास हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारे गुजरात के धम्म उपासक लोग हैं, इस समय रंभा स्तूपा के पास हैं कुशीनगर में। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग भी आए हुए हैं, अभी हम उन लोगों से भी थोड़ी सी जानकारी करते हैं। ये देखिए महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सर कहाँ से हैं आप लोग को? नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। मुंबई। मुंबई मुंबई से हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, मुंबई कहाँ से, किस जगह से? अलग अलग जगह से। अरे कुछ नाम तो होगा एरिया। अच्छा वापसी नवी मुंबई। नवी मुंबई, अच्छा अच्छा। मैं तो नमो बुद्धाय जय भीम। आप लोग नमो बुद्धाय जय भीम, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आप लोग गोधरा से आज कुशीनगर के धरती पे, भगवान बुद्ध की धरती पे हैं, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस जगह को देखते हुए? आपका नाम क्या नाम है? पुष्पाबेन। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं? बस इधर वो कुशीनगर में आके हम बहुत मन इतना भर गया कि बस हमेशा के लिए याद रखेगा, दूसरी बार आएगा। अच्छा, दूसरी अच्छा बार भी आएगा। पहली बार आए हैं क्या? पहली बार। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, आप सर? नमो बुद्धाय जय भीम। मैं बाबूभाई बौद्ध अहमदाबाद से हूँ। मैं ये कुशीनगर में आके हम सभी प्रफुल्लित हो गए। धम्म मित्र, यहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है और जो जगह है जाके हम गदगदित हो गए। पूरे भारतवर्ष पहले बौद्धमयी था और ये बाबा साहेब का जो सपना था कि पूरा भारत बौद्धमय हो जाए, ऐसी एक मिसाल चलनी चाहिए बस। बाबा साहब का लेकिन दो तीन सपना था, वो लोग पूरा नहीं कर रहे। बौद्ध में तो बन रहे हैं लेकिन उनका और असली सपना जो है जिससे हमारा समाज और आगे बढ़े वो नहीं हो पा रहा है। वो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग उस पर थोड़ा फोकस करिए। शिक्षा, शिक्षा की तरफ हमारे समाज के लोग जो जा रहे हैं, सरकार आधा से ज़्यादा प्राइवेट अब कर रही है शिक्षा, शिक्षण संस्थान, और महंगी फीस कर रही है जो सरकारी भी, उसमें भी फीस महंगी और प्राइवेट में तो और महंगी है। तो हमारे समाज के लोगों को एक बौद्ध विहार बनाने के बजाय अगर शिक्षण संस्थान बनाया जाए तो क्या वो बेहतर नहीं है? इस पर आप बताइए। बेहतर है, शिक्षण संस्थान ही बनाना चाहिए। बौद्ध विहार तो ऐसे तो बहुत सारे हैं वहाँ जाके बैठे, लेकिन जो संस्थान होके तो पढ़े लिखे लोग निकलेंगे अंदर से। तो सभी समाज के लोग मिलके शिक्षण संस्थान बनाना चाहिए, बस ऐसी मेरी सोच है। तो ये बाबा साहेब ने भी कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने तीन ही चीज बताया था ना, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। सही सही। तो हमारा समाज तो शिक्षित हो रहा है, अलग अलग संगठित नहीं है, अब तक हमारा समाज बना ही नहीं है, बना नहीं। आप सर? मैं दिनेश बौद्ध, गुजरात से आए हैं, महिसागर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हम आए हैं सब धम्म मित्र। अच्छा, आप जी? नमो बुद्धाय जय भीम आपको। सुमित्रा बौद्ध, मुझे भी इधर कुशीनगर में आके अच्छा लगा। अच्छा, आप? नमो बुद्धाय जय भीम, बहन बौद्ध कुशीनगर में दर्शन करवाए। आप सर? विनोद बौद्ध, गोधरा से आए हैं और प्रभावित हुए और भगवान बुद्ध के जो भूमि है जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ है, और हम आज देख रहे हैं, आज हमारी नज़रों से आज अभी का जो फ्यूचर या वर्तमान देख रहे हैं, तो बुद्धिज़्म स्प्रेड हो रहा है। और आप जो बोल रहे हैं शिक्षित की बात कर रहे हैं, वो शिक्षित तो हो रहा है हमारा समाज, संगठित अपना अपना कॉलेज स्कूल होना चाहिए। उसी जगह में आप एक घंटा आधे घंटे का बुद्धि में पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होना बहुत जरूरी है, ये नहीं हो रहा है। गुजरात में वही काम हो रहा है अभी। अच्छा, गुजरात में हो रहा है। चलिए। अच्छा, आप सर? मैं कनुभाई सुतरिया, गोधरा पंचमहल से आ रहा हूँ। यहाँ आकर बहुत धन्य हो गए हम, ऐसा लगता है कि यहाँ ही रुक जाए। और आपका वेलकम, स्वागत है, कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। बार बार यहाँ आए और हमारे मन को प्रफुल्लित करे। और दूसरी बात बोले तो जो बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनने की बात जो की थी, उसमें कुछ कमी लग रही है। और ये जो धार्मिक संस्थानों को बनाने की जगह यदि विद्यालय बनाई होती तो हम बहुत और आगे बढ़कर हमारा समाज और आगे बढ़ता। हाँ बिल्कुल। आप सर? प्रदीप प्रियदर्शी फ्रॉम गुजरात, गोधरा से।
और आई एम हैप्पी टू सी द लैंड ऑफ बुद्धा। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग इतना समय दिए। आपका भी धन्यवाद करते हैं, हम जो लोग हमारे साथ आकर आभार प्रकट करते हैं, गुजरात से जो लोग आए हैं, ये गुजरात के आने वाले लोग का आपने इंटरव्यू लिया और धम्म और शिक्षा का जो आप प्रसार कर रहे हैं, इसी बाबत से हम खुश हैं। आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ते रहे और बाबा साहेब का जो मिशन है वो पूरा हुए, ऐसा हम सभी हमारी तरफ से आपको शुभेच्छाएं। चलिए, हमें कम समय मिला आप लोग की सेवा करने में, कम समय मिला, पहले से जानकारी नहीं थी, फिर भी आपने बहुत अच्छा, नहीं किया है। जो टुका समय में गागर में सागर जैसे बोलते हैं ना राजेंद्र भाई, ऐसा आपने काम किया है और आपने जो काम किया है इस बात से हम सभी जो धम्म प्रेमी है खुश है और साधुवाद आपको खूब साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे धम्म उपासक लोग यहाँ पर इस समय है रंभा स्तूपा का दर्शन किए, अब इन्हें आगे हम ले चल रहे हैं, अभी बाहर चल रहे क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है, ये बंद करने का टाइम हो चुका है और यहाँ पर कुछ समय निर्धारित किया गया है सुबह से और शाम को, इसलिए अब समय ज़्यादा हो चुका है। तो सर, आप लोगों का कुशीनगर की धरती में आए, आप लोगों को कैसा अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा ये बताइए थोड़ा सा। अच्छा तो सभी को लगा है, जो गुड बेटर और बेस्ट बोलते हैं ना, इसमें जो बेस्ट होता है ना वो सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा अच्छा ना, चलिए अच्छा लगा है। चलिए अच्छा, ठीक है, अच्छा बहुत कम समय मिला आप लोग को। जो देखो ये जो मैं हमारे जो जो हमारे उपासिकाए हैं रख सकते हैं, रखना हो अब यहाँ देख, यहाँ पर देखिए मोमबत्ती जलाए हुए हैं उपासक के द्वारा, और यहाँ पर पुष्प रखा जाए, गुलाब का फूल रखा, अरे सॉरी कमल का फूल रखा जाता है यहाँ पर, और ये देखिए देश विदेश के यहाँ पर आते हैं पर्यटक दर्शन करने के लिए। अब शाम का वक्त हो गया।